बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपना किचन में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपना किचन में हम आज बनाने जा रहे हैं आलू के कटलस। आलू के कटलस बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आए आपको बताते चलें। आलू हमने मैश कर लिए हैं, टमाटर बारीक काट लेंगे, प्याज बारीक काट लेंगे, 2 अदद सब्ज़ मिर्च काट लेंगे, सब्ज़ धनिया भी काट लेंगे बारीक। बेसन इतना पतला कर लेंगे, देखें ये बेसन में डालने के लिए 1 अदद अंडा चाहिए होगा, नमक, दड़ा मिर्च, कुटा हुआ धनिया चाहिए होगा, अजवाइन, ज़ीरा और अनारदाना। अंडा फेंट के बेसन में शामिल कर देंगे, तलते वक्त फिर ना ये इस्तेमाल करेंगे। प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे, सब्ज मिर्च डालेंगे, सब्ज़ धनिया डालेंगे, सारे मसाले इसमें डालेंगे और हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। इसकी टिक्कियां बना लेंगे, छोटी बड़ी या जिस तरह आप शेप देना चाहें, गोल बनाएं या कोई और शेप दें, वो आपकी मर्ज़ी है। आलू के कटलस तैयार हैं। अब इसे बेसन में डिप करते जाएंगे और यह हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, उसमें डालेंगे और फ्राई करेंगे। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम कटलस डालेंगे और फ्राई करेंगे। कटलस हमारे फ्राई हो रहे हैं, अब इसको हम पलट लेंगे। देखिए नाज़रीन कितना अच्छा सा कलर आ रहा है इसका। दूसरी तरफ से भी ये ज़रा सुनहरी हो जाएंगे तो इसे डिश आउट कर लेंगे। जी नाज़रीन, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।